जहां एक तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के कारण SKMCS अस्पताल में प्रशासन और सरकार को लोगों का कितना ख्याल है उसकी पोल खुल गई थी। नीतीश कुमार की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में बेहद चिंताजनक स्थिति में है। अस्पताल में सुविधाओं की व्यवस्था को देखते हुए मीडिया ने लगातार नीतीश सरकार और अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए थे, जिसके कारण ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के दबाव में आकर ही अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। मीडिया की भागीदारी बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि मीडिया का काम होता है लोगों तक खबरों की सच्चाई को दिखाना। वहीं अब उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां योगी राज में मीडिया कर्मियों को ही एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि सच्चाई ना दिखाई जा सके। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मुरादाबाद के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सरकारी अस्पताल में लोगों को मिल रही सेवाओं का जायजा लेना था। लेकिन इस दौरान खामियों को छुपाने के लिए जिला प्रशासन ने जो कदम उठाया उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां कई स्थानीय पत्रकार भी पहुंचे, लेकिन उन्हें कवरेज से रोक दिया गया। पत्रकारों का आरोप है कि मुरादाबाद के जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह के आदेश पर दर्जनों मीडिया कर्मियों को इमरजेंसी वार्ड में बंद कर दिया गया ताकि वे मुख्यमंत्री से अस्पताल की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर सवाल न पूछ सके। ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में देखने को भी मिला, जहां एक समय के बाद पत्रकारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे के दौरान अस्पताल में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इस पूरे मामले में मुरादाबाद जिले के DM राकेश कुमार सिंह का यह सफाई दे रहे हैं कि मीडिया कर्मियों को इमरजेंसी वार्ड में बंद किए जाने की खबरें गलत हैं। उन्होंने कहा, अस्पताल वार्ड में 35 से 40 मीडिया कर्मी आ गए थे। अगर इतनी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों को वार्ड में CM योगी आदित्यनाथ के साथ जाने दिया जाता तो इलाज करा रहे मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता, इसलिए उन्हें इमरजेंसी कॉरिडोर में रोक दिया गया था। सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना में पत्रकारों से बातचीत का कार्यक्रम नहीं था। देखा जाए तो अस्पताल में 20 से 30 मीडिया कर्मी मौजूद थे। भले ही प्रशासन की ओर से यह सफाई दी जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों के आने से अस्पताल में इन्फेक्शन फैलने का डर भी था, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मौजूद इतने पत्रकारों में से किसी के साथ बातचीत नहीं करी ताकि योगी सरकार में भी अस्पतालों की पोल न खुल जाए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर मीडिया की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, पत्रकार बंधक बनाए जा रहे हैं, सवालों पर पर्दा डाला जा रहा है, समस्याओं को दरकिनार किया जा रहा है। प्रचंड बहुमत पाने वाली उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार जनता के सवालों से बच रही है। नेताजी ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सवाल पूछेगी भी और जवाब लेगी भी। कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी महासचिव ने मीडिया की एक खबर को भी टैग किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरादाबाद के दौरे के दौरान पत्रकारों को कमरे में बंद कर दिया गया। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।